गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट से भी जनरली जेई लेवल के एग्जाम में का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। के बारे में एक तो ये बात ध्यान रखिए कि ये मोर देन वन कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल होता है। मैंने जो आपको स्किन इफेक्ट पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में वो आपका सिंगल कंडक्टर पे एप्लीकेबल था, लेकिन प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आपका मोर देन वन कंडक्टर पे एप्लीकेबल है। मोर देन वन कंडक्टर, ठीक। दूसरा, अब जब मैं बात कर रहा हूं मोर देन वन कंडक्टर, तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हम दो कंडक्टर के लिए बात करेंगे। तो इसमें हमारे दो केस बनेंगे कि टू केसेस, और वो केस क्या हो सकते हैं, एक होगा आपका अट्रैक्शन का और एक होगा आपका रिपल्सन का। ठीक, इसका मतलब क्या है कि माना आपके पास ये दो कनेक्टर्स हैं। ठीक, तो इन दोनों कनेक्टर में करंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं। एक डायरेक्शन करंट की है कि इसमें भी करंट ऐसे जा रही है और इसमें भी करंट ऐसे जा रही है, मीन्स सेम डायरेक्शन इन बोथ कंडक्टर। ठीक, और दूसरा केस बनेगा कि इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है और इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी अपोजिट करंट इन बोथ कंडक्टर। ठीक, तो दो केसेस होंगे आपके। तो जो दो केसेस होंगे वो है आपके, पहला केस बनेगा आपका अट्रैक्शन, एक केस ये दो कंडक्टर हो गए, दूसरे में भी मैंने दो कंडक्टर बना दिए। ठीक, तो ये आपकी सेम डायरेक्शन है दोनों कंडक्टर में करंट के फ्लो होने की, और इसमें अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक, तो जो यारा केस हो गया, ये केस हो गया आपका अट्रैक्शन। ठीक, और जो अगला केस हो गया वो हो गया आपका रिपल्सन। ठीक, अब जरा बात ये भी कर लेते हैं कि प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में होता क्या है। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में कंडक्टर पे भी जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, लेकिन वो किस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसके इनर एज पे करंट ज़्यादा हो जाती है और जो आउटर एज है वहाँ पे करंट कम हो जाती है। या फिर हम ऐसे देख लें कि माना ये दो कनेक्टर हैं, तो या तो ये केस होगा कि आपस की तरफ जो दोनों एज हैं वहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई, या फिर ये भी पॉसिबल है ये कि जो कनेक्टर के आउटर एज है वहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई। सही, तो ये प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है कि एजेस पे करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। चलिए अब इस चीज को हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं लॉजिकली कि ये चीज कैसे आपकी पॉसिबल हो रही है। ठीक, चलिए तो मैं पहले एक कनेक्टर कंसिडर कर लेता हूं। सही, ये मैंने दो कनेक्टर, ये मैंने आपके, ये रहा मेरा एक कंडक्टर, ठीक, और ये रहा मेरा दूसरा कंडक्टर। अब ये चीज मुझ पर डिपेंड करती है कि मैं इसमें करंट की डायरेक्शन क्या मानूं। ठीक, तो मैं अभी पहला वाला केस कंसीडर कर रहा हूं। पहला वाला केस क्या था कि जब दोनों कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। सही, तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि चलो मैं मान लेता हूं क्लॉकवाइज, और यहां भी मैंने एज्यूम कर लिया क्लॉकवाइज। ठीक, और इस कनेक्टर को भी मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये कई नंबर ऑफ लेयर से बना हुआ है। सही, तो इसकी मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनें बना रहा हूं, माना एक लाइन ये हो गई। सही, ऐसे ही मैंने सेम स्किन इफेक्ट में करा था, सेम मैंने ऐसे बना दिया। ठीक, अब इसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो उसकी लाइन भी मैंने बना दी एक ये। ठीक, एक लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी ये। सही, यहां पे मैं करंट की डायरेक्शन दिखा रहा हूं कि ये मेरी करंट की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो यहां भी क्या होगी क्लॉकवाइज, और यहां भी क्या होगी क्लॉकवाइज, अंदर भी क्लॉकवाइज होगी, लेकिन अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। सेम फिनोमिना मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं कि मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की लाइन ये होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। ठीक है, इसमें भी मैं करंट की डायरेक्शन शो कर रहा हूं, ये हो गई मेरी डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन ये हो गई।
ठीक, इसे मैं कनेक्टर वन बोल दे रहा हूं और इसे मैं कनेक्टर टू बोल दे रहा हूं। और ये देखिए लाइन ऐसे जा रही है, तो यानी यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। ये लाइन मेरी ऐसे जा रही है तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। ये लाइन मेरी ऐसे जा रही है तो यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, ये। ठीक, सेम। ये यहां पे डायरेक्शन क्या होगी, ये। यहां पे ये और यहां पे ये। और अगर मैं यहां से बढ़ाते हुए एक लाइन यहां तक ले जाता हूं तो उस केस में मेरी जो करंट डायरेक्शन आ रही है वो भी क्या आ जाएगी, आपकी ये वाली। ठीक, सेम चीज वहां पे एप्लीकेबल है, सही। तो अभी हम सिर्फ इतनी सी बात देख रहे हैं। अब आप एक चीज पे गौर करिएगा कि जो मेरा इतना पोर्शन है, सही, इतने पोर्शन पर मेरी दो फ्लक्स लाइनें नीचे की तरफ जा रही हैं और दो फ्लक्स लाइनें ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी जो मेरी फ्लक्स की वैल्यू होगी वो कम होगी, ठीक, या फिर फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू। लेकिन यहां पे देखिए, यहां पे सारी फ्लक्स लाइन की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, यानी फ्लक्स लिंकेज की वैल्यू मेरी यहां पर ज्यादा होगी, सही। तो यहां वाले इस केस को मैं लिख दे रहा हूं फाइ वन, ठीक। और जो मेरा ये वाला केस बन रहा है इसे मैं लिख दे रहा हूं फाइ टू। अब मुझे पता है कि फाइ वन की वैल्यू ज्यादा है इन कंपैरिजन टू फाइ टू, ठीक, यानी फाइ टू की वैल्यू मेरी कम है, सही। अब सेम लॉजिक है, एक दूसरा फॉर्मूला मुझे पता होता है, एल बराबर, एल जो आपका होता है वो फाइ के प्रोपोर्शनल में होगा। तो अगर मैं लिखूं फाइ वन, यहां भी इसे मैंने एल वन लिख दिया, इसे लिख दिया एल टू बराबर फाइ टू, सही। तो यानी यहां मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मेरी फाइ वन की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो इस केस में एल वन की वैल्यू भी ज्यादा हो रही है। सेम, अगर मेरी फाइ टू की वैल्यू कम हो रही है तो इस वाले केस में एल टू की वैल्यू भी कम होगी। चलिए नेक्स्ट रिलेशन, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। एक्सएल बराबर क्या होता है, टू पाई एफ एल, सही। इसे मैंने लिख दिया एल वन, इसे भी एल वन, ऐसे यहां पर एक्सएल बराबर टू पाई एफ एल टू, ठीक, इसे मैंने लिख दिया एक्सएल टू। अब यहां देखिए कि अगर मेरे L1 की वैल्यू ज्यादा है इंडक्टेंस की तो XL1 की वैल्यू भी ज्यादा होगी। सेम, अगर मेरे L2 की वैल्यू कम है तो XL2 की वैल्यू भी कम होगी, ठीक। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, इंपीडेंस, सही, Z1 बराबर R प्लस जे एक्स एल, एल वन लिख दिया मैंने इसे, ठीक। यहां पे Z2 इक्वल टू R प्लस जे एक्स एल टू, ठीक। अब यहां देखते हैं कि अगर XL1 ये वैल्यू ज्यादा है तो यानी Z1 की वैल्यू भी ज्यादा होगी, और यहां देखते हैं कि XL2 की वैल्यू कम है तो Z2 की वैल्यू भी कम होगी। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं, I1 Z, सही, और I2 बराबर Z2। अब ये रिलेशन देखते हैं, ये रिलेशन क्या कह रहा है कि अगर मेरे Z1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो फिर I1 की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जितना ज्यादा इंपीडेंस ऑफर होगा करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी, सही। यहां पे क्या है, Z2 ये वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या है, जितना कम इंपीडेंस ऑफर होगा उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी। यानी मैं क्या कह सकता हूं, I1 की वैल्यू कम है और I2 की वैल्यू ज्यादा है, सही। यानी एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, सही। तो यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन निकला कि इस वाले पॉइंट पर करंट की वैल्यू ज्यादा हो रही है और इस वाले पॉइंट पर करंट की वैल्यू कम हो रही है। यानी अगर मैं इसे बनाना चाहूं दूसरे तरीके से तो इसे मैं देखिए यहां पे I2 की वैल्यू ज्यादा हो रही है, यानी ये I2 की वैल्यू ज्यादा हो रही है यानी इनर सरफेस पे, इनर एज पे, और यहां पे करंट की वैल्यू कम हो रही है यानी करंट की वैल्यू कम हो रही है। तो ये केस हो गया आपका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और ये केस आपसे एग्जाम में किस हिसाब से पूछा जाता है? एग्जाम में क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि अगर अट्रैक्शन वाला केस है, यानी सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रही है तब क्या होगा, तो आपको वाला चीज याद रखनी है कि इनर एज पे करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और दूसरा केस आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बस थोड़ा सा बता रहा हूं कि दूसरे केस में जब मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है और ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक है, तो सेम इसी लॉजिक का यूज करके बस आपको करना क्या है कि अब आप एक में करंट की डायरेक्शन ये एज्यूम कर लीजिए और एक में करंट की डायरेक्शन ये एज्यूम कर लीजिए, ठीक। सेम आप यही रिलेशन डेवलप करेंगे तो आपका आखिरी में अब अपोजिट रिलेशन आ जाएगा। यहां पे क्या आया था, I1 की वैल्यू कम हो रही है, तो इस वाले में क्या होगा, I1 की वैल्यू ज्यादा होगी और I2 की वैल्यू आपकी कम होगी, ठीक। तो अगर I1 की वैल्यू ज्यादा हो रही है तो यानी जो आपका आउटर एज है, सही, मैक्सिमम करंट आपकी वहां से फ्लो करेगी और जो आपके इनर एज है वहां पे आपकी मिनिमम करंट फ्लो करेगी, सही। तो ये आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। अब इस प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में एक चीज और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को इंपैक्ट करते हैं। तो पहला हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक। सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होती है, अगर इसकी वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो स्किन इफेक्ट की वैल्यू, वो सॉरी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, ठीक। दूसरा क्या होता है आपका, म्यू आर यानी रिलेटिव परमेबिलिटी में क्या है कि अगर इसकी वैल्यू भी आपकी इंक्रीज करोगे आप तो उस केस में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। बेसिकली वैल्यू क्या बढ़ेगी, इफेक्ट बढ़ेगा आपका, मतलब करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म तो था ही, अब और ज्यादा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक। इसके अलावा साइज ऑफ कंडक्टर। Jenik Prime is the new features by Jenik Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ठीक, साइज ऑफ कंडक्टर अगर आपका ज्यादा होगा तो इस केस में भी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज्यादा इंपैक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर अगर आप इसे बढ़ा देते हैं तो इस केस में प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कम होता है। ये पॉइंट याद करने वाला है और ये पूछा जाता है। दरअसल और जितने फैक्टर्स हैं, फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, म्यू आर हो गया, साइज हो गया या फिर शेप हो गया, और भी पैरामीटर्स हैं, उन सब की वजह से प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर। और इसका लॉजिक भी क्या है, दरअसल मैंने यहाँ क्या करा था, एक लाइन मैंने एक और भी खींची थी, फ्लक्स की लाइन, सही। क्योंकि देखो भाई, दो कंडक्टर हैं तो ऐसा नहीं है कि एक कंडक्टर का की जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसका सिर्फ उसी से लिंक होगी, वो जो पास में कंडक्टर जाता है ना उससे भी लिंक होती है, सही। इसलिए हम बोलते हैं सेल्फ एक म्यूचुअल, सेल्फ खुद का म्यूचुअल दूसरे का, सही। तो म्यूचुअल इफेक्ट भी आता है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस को माने, एक डिस्टेंस हमारी ये है कंडक्टर की, ठीक, एक डिस्टेंस ये है और एक डिस्टेंस मैंने ये कर दी, तो इस केस में अब इसका जो इम्पैक्ट इस पर आ रहा होगा वो कम हो जाएगा, सही। तो यानी प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको समझ में आ गया होगा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है। आपका फरांटी इफेक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दरअसल आप लोग सोच रहे होंगे मैं हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, लेकिन जनरली ये टॉपिक्स ही ऐसे हैं ना कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और एक आध क्वेश्चन हमेशा इससे आता ही आता है और आसान सा क्वेश्चन होता है। चलिए फरांटी इफेक्ट की बात करते हैं, ठीक। बेसिकली फरांटी इफेक्ट क्या होता है कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपका जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज है वो आपका सेंडिंग एंड के वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, तो इस चीज को हम लोग फरांटी इफेक्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं, आप एज्यूम करिए कि ये कोई ट्रांसमिशन लाइन है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो होगी Vs,
सेंडिंग एंड का वोल्टेज, ठीक, और ये हो गया मेरा रिसीविंग एंड, तो इसे मैं क्या बोलूंगा, वी आर, यानी रिसीविंग एंड का वोल्टेज, और ये मेरी हो गई ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। अब तीन कंडीशंस होती हैं, आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कंडीशंस। पहली कंडीशन हो गई आपकी लाइटली लोडेड, लाइटली लोडेड, ओके, या फिर मैं बोल सकता हूं नो लोड, या फिर ओपन सर्किट, ठीक। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती है तो उस कंडीशन में आपकी जो VR की वैल्यू है वो ग्रेटर देन VS हो जाती है। इसी चीज को हम बोलते हैं फेरांटी इफेक्ट। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो इसकी डेफिनेशन होगी एट द कंडीशन ऑफ लाइटली लोडेड और नो लोडेड और ओपन सर्किट, इफ द वैल्यू ऑफ द रिसीविंग एंड वोल्टेज इंक्रीजेस देन इट विल कॉल फेरांटी इफेक्ट, ठीक। तो ये हमारा सिंपल फेरांटी इफेक्ट है। फेरांटी इफेक्ट में कुछ बातें याद रखने वाली होती हैं, एक तो आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, दूसरा जो आपका फेरांटी इफेक्ट होता है वो मीडियम और एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सही, तो यहां पे फेरांटी इफेक्ट नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करते हैं, कैपेसिटेंस नॉट कंसीडर्ड, नॉट कंसीडर्ड, सही। कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट होता है वो आपका मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर्ड होता है, जो आपकी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें कैपेसिटेंस का इफेक्ट कंसीडर्ड नहीं होता है, ठीक। दैट्स व्हाई फेरांटी इफेक्ट शॉर्ट ट्रांसमिशन में नहीं होता है, मीडियम और लॉन्ग में होता है। और एक पॉइंट और है, जनरली जो आपकी वीआर की वैल्यू इंक्रीज होती है, सही, वो अप्रोक्सीमेटली 5%, मतलब वीएस माना आपका 100 वोल्ट है सेंडिंग एंड का वोल्टेज, तो जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज आपका इंक्रीज होगा ड्यू टू फेरांटी इफेक्ट वो अप्रोक्सीमेटली 105 वोल्ट, सही, 5% के लगभग। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक। फेरांटी इफेक्ट में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि इसका दूसरा नाम आपका क्या होता है, इसे हम, दूसरा नाम होता है हमारा चार्जिंग करंट इफेक्ट, चार्जिंग करंट इफेक्ट, सही, चूंकि ड्यू टू कैपेसिटेंस करंट की वजह से ये आपका इफेक्ट आता है। चलिए, अब हमने फेरांटी इफेक्ट के बारे में बात कर ली, अब हम इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि भाई ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से वीआर की वैल्यू आपकी वीएस की वैल्यू से ज्यादा हो जाती है, ठीक। क्योंकि कोई भी चीज है, कोई भी बात है, तो उसका आपको लॉजिकली आंसर पता होना चाहिए। लॉजिकली आंसर पता होने से क्या होता है कि वो हमें लॉजिक और जो उससे आउटकम निकल के आ रहा है वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आप सिर्फ रटेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप समझ के रटेंगे देन आपको आसानी रहेगी याद रखने में। चलिए, अब फेरांटी इफेक्ट देखते हैं, इसे प्रूफ करते हैं वी आर ग्रेटर देन वी एस को। हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको दो मेथड्स से बता रहा हूँ, एक मैथमेटिकल अप्रोच है और एक फेजर की अप्रोच है। तो चलो पहले मैथमेटिकल अप्रोच देखते हैं। मैं एक ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल, पाई मॉडल कंसिडर कर रहा हूँ। ये मैंने एक ट्रांसमिशन लाइन में इंडक्टेंस कंसिडर कर लिया और ये मैंने एक कैपेसिटेंस कंसिडर कर लिया, ठीक है। यहां पर ये मेरा हो गया VS, सही, ये मेरा हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक, और जो मेरा ये एंड है ये हो गया VR, यानी सेंडिंग एंड पे मेरा वोल्टेज है VS और रिसीविंग एंड पे मेरा वोल्टेज है VR। यहां पे मैंने मान लिया मेरी करंट फ्लो कर रही है IS, सेंडिंग एंड की करंट, और यहां पे करंट फ्लो कर रही है IR, सही, रिसीविंग एंड की करंट। लेकिन
क्योंकि ये यहां पर ओपन सर्किट है, सही। अब मैं ओपन सर्किट बोलूं या लाइटली लोडेड बोलूं, बात लगभग एक हो जाती है। तो ओपन सर्किट के केस में IR इक्वल टू जीरो, ठीक। ये मेरा इंडक्टेंस मैंने मान लिया L और ये मैंने मान लिया C कैपेसिटेंस। और मैं ये चीज एज्यूम करके चल रहा हूं कि मेरी ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ है वो है स्मॉल L किलोमीटर, ठीक है। तो यानी यहां पर इस चीज को मैं स्मॉल L से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरा पूरी ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस आ गया। ऐसे यहां मेरा सी है तो यहां मैंने स्मॉल एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी पूरी ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस कैलकुलेट होके आ गया, ठीक। अब मैं यहां पे केवीएल अप्लाई करता हूं, सही। तो देखिए वी एस माइनस आई एस एक्सएल, ठीक, माइनस आई एस एक्सी बराबर जीरो, ठीक। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। वी एस माइनस आई एस एक्सएल को मैं लिख सकता हूं जे ओमेगा एल और स्मॉल एल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन माइनस का आई एस इंटू वन, एक्सी को लिख रहा हूं मैं वन अपॉन जे ओमेगा सी इंटू स्मॉल एल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। वी एस बराबर में लिख सकता हूं आई एस, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं इधर ले जा रहा हूं और आई एस मैंने कॉमन ले लिया जे ओमेगा एल स्मॉल एल प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी एल, ठीक है। अब यहां से मैं जरा आई एस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। मेरी आई एस की वैल्यू क्या आएगी, वी एस अपॉन जे ओमेगा एल एल प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी एल, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आ गई आई एस की। अब यहां पे एक चीज देखिए, मुझे एक बात पता होता है कि मीडियम या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस की वैल्यू अगर मैं इंडक्टेंस से कंपेयर कराऊं तो काफी कम होती है। यानी मैं ये बोल रहा हूं कि मेरी यहां पे जो सी की वैल्यू है ये मेरी वैल्यू कम है इस एल की वैल्यू से, और काफी कम है, ठीक। तो अगर ये वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में कम होगी तो अगर मैं पूरी टर्म की बात करूं, मैं पूरी टर्म की बात करूं तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, सही। डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू कम होती है तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, सही। तो यानी मैं इस वैल्यू के सामने इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। लॉजिक समझ में आया ना कि इसकी वैल्यू आपकी बहुत कम हो रही थी इसके कंपैरिजन में, तो कम होने से ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो रही थी इसके कंपैरिजन में, तो ये वैल्यू मैंने नेग्लेक्ट कर दी। तो यानी अब मेरी आई एस की वैल्यू जो आ गई वो हो गई वी एस जे ओमेगा सी एल, ठीक। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, अभी आगे यूज होगी, ठीक है। अब हम यहां पे एक बार वोल्टेज निकालते हैं रिसीविंग एंड का, देखते हैं भाई रिसीविंग एंड का वोल्टेज एट द कंडीशन ऑफ नो लोड और लाइट लोड और ओपन सर्किट क्या है, देखते हैं। देखिए वी आर इक्वल टू जो पोटेंशियल मेरा यहां पे होगा वही पोटेंशियल मेरा यहां पे होगा, ठीक है। तो वी आर इक्वल टू वी एस और माइनस का ये वाला ड्रॉप, यानी वी एस और माइनस का आई एक्स एक्सएल, ठीक है। अब मुझे आई एस की वैल्यू यहां पे पता है तो ये वैल्यू मैं उठा के यहां रख देता हूं। तो देखिए वी आर इक्वल टू वी एस, आई एस की वैल्यू रखी मैंने वी एस इंटू जे ओमेगा सी एल, और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी जे ओमेगा एल स्मॉल एल, ठीक है। इसे और सॉल्व करते हैं तो वी आर बराबर होगा, ये वी एस को मैंने कॉमन ले लिया तो वन, ये माइनस का साइन है ये जे जे स्क्वायर क्या होता है माइनस वन, यानी प्लस का वन आ जाएगा, प्लस का वन ओमेगा सी एल स्मॉल एल का स्क्वायर, ठीक। तो आपको जो मैंने ये इक्वेशन ड्राइव करी है आप यहां से ही वेरीफाई कर सकते हैं कि वी आर की वैल्यू वी एस से ज्यादा हो रही है, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला था कि पहले मैं आपको एक मैथमेटिकल अप्रोच से बताऊंगा,
कि कैसे वी आर की वैल्यू वी एस से ज्यादा हो रही है, यहां पे वैल्यू ज्यादा हो रही है। लेकिन यहां पे एक पॉइंट और बहुत अच्छा याद करने वाला है, आप गौर करिए कि जो वी आर की वैल्यू है ठीक है उसका लेंथ से रिलेशन बन रहा है, लेकिन लेंथ से नहीं, लेंथ के स्क्वायर से रिलेशन बन रहा है ठीक है। यानी अगर मैं बोलूं, और ये क्वेश्चन आरआरबी जेई में आ चुका है, कि अगर मैं अपनी लेंथ की वैल्यू 2 times कर दूं तो उस केस में वीआर पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वीआर 4 गुना हो जाएगा क्योंकि एल के स्क्वायर में आ रहा है, सही है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में होगा वीआर 4 times। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा ठीक। अब इसके बाद मैंने आपको मैथमेटिकल अप्रोच से बता दिया कि फ्रांटी इफेक्ट कैसे होता है। एक हम और अप्रोच देख लेते हैं फेजर की। फेजर की अप्रोच ही बहुत आसान है, तो देखिए सिंपल, मैं फिर से एक वही पाई मॉडल कंसीडर कर दे रहा हूं। देखिए ये मैंने एक रेजिस्टेंस कंसीडर कर लिया, उसके बाद इंडक्टेंस कंसीडर कर लिया, उसके बाद कैपेसिटेंस कंसीडर कर लिया, और ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन हो गई ठीक। भाई आरएलसी 3 पैरामीटर है आपके, ये मैंने बोल दिया वी आर, मेरा रिसीविंग एंड का वोल्टेज, ये मैंने बोल दिया वी एस, मेरा सेंडिंग एंड का वोल्टेज, ये मैंने बोल दिया आई एस, यहां मैंने बोल दिया आई आर, जो आपकी 0 रहनी है सही, क्योंकि ओपन सर्किट है या फिर लाइटली लोडेड है, और ये मैंने बोल दिया आईसी चार्जिंग करंट, ये हो गया मेरा आर, ये हो गया मेरा इंडक्टेंस, और ये हो गया मेरा कैपेसिटेंस ठीक है। अब मुझे सॉरी, यहां पे वीएस आएगा, सेंडिंग एंड का वोल्टेज है ये, और यहां पे वीआर आएगा, ये आपका रिसीविंग एंड का वोल्टेज है ठीक है। अब यहां पे मुझे वीआर की वैल्यू फेजर के थ्रू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल मैंने एक रेफरेंस फेजर वीआर माना ठीक है, वीआर में देखा वीआर मेरा क्या आएगा, वीआर मेरा इसके अक्रॉस आना है, तो करंट क्या फ्लो कर रही है, आईसी, जो लीड करेगी 90 डिग्री, यानी ये मेरी करंट हो गई आईसी। मुझे फाइंड आउट करना है वीएस, तो वीएस मेरा क्या होगा, ये ड्रॉप और प्लस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो तो वीआर है ही। तो अब मुझे, अब देखिए यहां पे मेरा आईएस बराबर हो जाएगा आईसी के, क्योंकि मेरी करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये जा रही है सही, वहां तो 0 है, वहां तो उस करंट जा ही नहीं रही है, तो यानी इसके अक्रॉस क्या ड्रॉप हो रहा होगा, आईसीआर, जिसे मैंने बना दिया ये सही है। रेजिस्टेंस के केस में सेम डायरेक्शन में होता है, और यहां पे मेरा क्या होगा, आईसी एक्सएल, तो ये मैंने बना दिया आईसी एक्सएल ठीक। और मैंने आपको क्या बताया था कि मेरा वीएस होगा क्या, ये ड्रॉप प्लस ये ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस पोटेंशियल, तो यानी ये मेरा हो गया वीएस। तो आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि वीएस सॉरी वीआर ग्रेटर देन वीएस ठीक। तो एक बार कंक्लूड कर लेते हैं, फ्रंटी फैट क्या होता है, वीआर ग्रेटर देन वीएस किस कंडीशन में होता है, लाइट लोड, ओपन सर्किट सही। और दूसरी बात, फ्रंटी इफेक्ट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में आपका कंसीडर नहीं होता है, सिर्फ मीडियम और लॉन्ग में होता है। क्यों नहीं कंसीडर होता है, ड्यू टू कैपेसिटेंस, शॉर्ट में कैपेसिटेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। और एक बात, मैंने आपको मैथमेटिकल अप्रोच कराई, उसमें फ्रंटी इफेक्ट में जो वीआर आता है वो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में आएगा ठीक है। और आखिरी मैंने आपको फेजर के थ्रू बता दिया, अब समझ में आ गया होगा जहां तक है ठीक है। थैंक यू।